नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार फार्मा शेयर्स के कंपैरिजन के बारे में कि कौन सा शेयर आपको बाय करना चाहिए, कौन सा शेयर बेस्ट है, हर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट पे भी देखें कौन सा स्टॉक बेहतर रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर को, किसका टेक्निकल चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं। तो पहला है कैडिला हेल्थ केयर, दूसरा है सिप्ला, तीसरा है डॉक्टर रेड्डी और चौथा है सन फार्मा। तो ये चार स्टॉक है, पहला कैडिला हेल्थ, दूसरा सिप्ला, देख लीजिए यहाँ पर आप सिप्ला, तीसरा है डॉक्टर रेड्डी और चौथा है सन फार्मास्यूटिकल्स। ये चार फार्मा स्टॉक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी है सन फार्मास्यूटिकल्स, इसका देखिए मार्केट कैप है 1,60,000 करोड़ का। सन फार्मास्यूटिकल्स का मार्केट कैप कितना है? 1,60,000 करोड़। उसके बाद दूसरा है हमारा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का देख सकते हैं कि जो इसका मार्केट कैप है 86। तीसरा है सिप्ला, सिप्ला का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 75,000 करोड़। वहीं चौथा जो हमारा स्टॉक है, चौथा है हमारा कैडिला हेल्थ केयर। देख सकते हैं कैडिला हेल्थ केयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 63,000 करोड़। तो चारों फार्मास्यूटिकल स्टॉक, चारों का आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लिया। सबसे बड़ा कितना था? सन फार्मास्यूटिकल्स। सन फार्मास्यूटिकल्स किसी और कंपनी से डायरेक्ट डबल है। दूसरे नंबर पर जो है डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी का 86 है, तो ये डायरेक्ट 160 है, लगभग डबल है। तो समझते हैं पहला जो मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है सन फार्मास्यूटिकल, दूसरे नंबर पर जो डॉक्टर रेड्डी है इससे हाफ है। ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देख ली। अब बात करते हैं पी, पी के अनुसार कौन सा स्टॉक हमें चीप प्राइस पर मिल रहा है। तो देखिए इसका पी है, स्टॉक का पी 55 का। सन फार्मास्यूटिकल्स स्टॉक का पी कितना है? 55 का। अब देखिए दूसरा डॉक्टर रेड्डी का पी देखते हैं, तो डॉक्टर रेड्डी का पी आप यहाँ पर देख सकते हैं 44 का। डॉक्टर रेड्डी का पी कितना है? 44 का। तो ये सन फार्मास्यूटिकल्स से अभी भी चीप प्राइस पे मिल रहा है। देखिए एक ही सेक्टर के स्टॉक को आप पी से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पी देखते हैं तो डॉक्टर रेड्डी का काफ़ी कम है, सन फार्मास्यूटिकल्स का जबकि 55 था, डॉक्टर रेड्डी का मात्र 44 है। अब हम देखते हैं सिप्ला का। तो सिप्ला का देख लीजिए पी जो है मात्र 31 का है, तो ये तो डॉक्टर रेड्डी से भी कम है, तो ये और भी काफ़ी चीप प्राइस पे हमें मिल रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए सारे कंपैरिजन, मार्केट कैपिटलाइजेशन सन फार्मा का काफ़ी बड़ा था तो पी भी काफ़ी ज़्यादा था। अब चौथा है कैडिला हेल्थ, इसका पी मात्र 27 का है, तो कैडिला हेल्थ के सबसे चीप प्राइस पे मिल रहा है सिप्ला से भी, डॉक्टर रेड्डी से, सन फार्मा से। तो सबसे चीप प्राइस पे हमें जो स्टॉक उपलब्ध है वो है कैडिला हेल्थ केयर, तो काफ़ी चीप प्राइस पे मिल रहा है। अब यहाँ एक जो चीज़ आता है हमारा डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड में देख लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड जो है किसका ज़्यादा है, क्योंकि ये भी एक पैसिव इनकम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ जो बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस से ही करते हैं। देखिए 0.56% का कैडिला हेल्थ केयर का पी डिविडेंड यील्ड है, तो इसका डिविडेंड यील्ड 0.56। सबसे सस्ता स्टॉक आपने देख लिया कौन सा मिल रहा है, कैडिला हेल्थ का मार्क 27 के पी पे, उसके बाद सिप्ला मिल रहा था 31 के पी पे, और डॉक्टर रेड्डी 44 के पी पे, और सन फार्मा 55 के पी पे। अब कैडिला का आपने डिविडेंड यील्ड देख लिया 0.56 है। आप देखते हैं हम इसका जो डिविडेंड यील्ड कितना है, दूसरा जो स्टॉक है सिप्ला, इसका डिविडेंड यील्ड मात्र 0.32% है। ये कैडिला हेल्थ केयर से भी कम डिविडेंड यील्ड पे मिल रहा है ये स्टॉक, मतलब इसमें हमको ज़्यादा कुछ डिविडेंड नहीं मिलेगा सिप्ला में। उसके बाद अगला है हमारा डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डी का देख लीजिए 0.48%। तो ये भी जो है कैडिला हेल्थ केयर से कम है, लेकिन सिप्ला से ज़्यादा है डिविडेंड यील्ड। उसके बाद आता है हमारा अगला सन फार्मास्यूटिकल, सन फार्मास्यूटिकल का डिविडेंड यील्ड देख लीजिए कितना है 0.82%, इसका डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है सन फार्मास्यूटिकल्स का। तो ये हमें एक अच्छा पैसिव इनकम क्रिएट करके देगा, लेकिन इसका पी भी काफ़ी महंगा है, लगभग 2 गुना है, मतलब 2 टाइम्स है लगभग कैडिला हेल्थ केयर से, 2 टाइम्स, उसका 27, इसका 55। तो यहाँ हमें ज़्यादा रुपया पे करना पड़ रहा है कंपनी के 1 रुपया के अर्निंग के लिए। पी क्या होता है? कंपनी के 1 रुपया का जो अर्निंग है उसके लिए कितना प्राइस हम यहाँ पर दे रहे हैं, कंपनी 1 रुपया का जो प्रॉफिट है उसके लिए हम कितना रुपया यहाँ पर दे रहे हैं कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। और डिविडेंड यील्ड में क्या शानदार निकला आपको, सन फार्मास्यूटिकल ज़्यादा शानदार है डिविडेंड यील्ड के मामले में, लेकिन पी काफ़ी महंगा है। कैडिला हेल्थ केयर उसके बाद दूसरे पी पे है, जबकि सबसे सस्ता स्टॉक मिल रहा है हमारा कैडिला हेल्थ केयर। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14%,
रिटर्न ऑन इक्विटी 6%, ये कुछ खास नहीं है दोनों का दोनों चीज़। अब हम देखते हैं डॉक्टर रेड्डी का, तो डॉक्टर रेड्डी का देख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न कितना है और इक्विटी पे कितना। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.7, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.5%। तो इसका भी कुछ खास नहीं है, जबकि और सारे सेक्टर का आप स्टॉक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखिए सिप्ला का, ये है 14%, ये है 17%, ये दोनों से ज़्यादा है डॉक्टर रेड्डी से, सन फार्मा से। उसके बाद चलते हैं अगला हमारा जो स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर। तो कैडिला हेल्थ इसका देख लीजिए, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.6%, तो सबसे ज़्यादा है, और 20% के आसपास है तो काफ़ी अच्छा भी है ये। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये है 15%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 19.6%, तो ये रिटर्न इक्विटी काफ़ी ज़बरदस्त है। थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम है। तो ये हमारा अभी तक कैडिला हेल्थ केयर जो है सिर्फ डिविडेंड के मामले में ये सन फार्मा से थोड़ा सा कम था, बाकी ओवरऑल ये काफ़ी सस्ते पी पे हमें मिल रहा है, साथ साथ अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग ठीक ठाक है। तो अभी तक सन कैडिला हेल्थ केयर अच्छा स्टॉक दिख रहा है। अब बात करते हैं इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग का, तो जो मैक्सिमम स्टेक हो सकता है 75% उसके आसपास है, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग का भी कोई झंझट नहीं है इसमें। उसके बाद अगला है सिप्ला, सिप्ला में प्रमोटर्स होल्डिंग 36.7%, मात्र 36.7%, तो इसमें हमें थोड़ा सा लोचा है, प्रमोटर का स्टेक कम है। लेकिन इतनी बड़ी ब्लू चिप कंपनी में प्रमोटर्स स्टेक 30% भी हो तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी, इसमें और प्रमोटर का स्टेक काफ़ी कम है 26.7%, तो देख सकते हैं ब्लू चिप कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रमोटर स्टेक कम होता है, जो कि वो मतलब बार बार वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा सन फार्मास्यूटिकल, इसमें 54.5% प्रमोटर स्टेक है, तो कैडिला हेल्थ केयर और सन फार्मा दोनों प्रमोटर स्टेक काफ़ी अच्छा है। कैडिला में तो मैक्सिमम स्टेक है, मतलब ऐसे भी आपको दिख रहा है काफ़ी सस्ते पी पे वो स्टॉक मिल रहा है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी कम है अभी, सन फार्मास्यूटिकल से आधे से भी कम है, तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है उस स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप्चर करने का अभी तक। तो प्रमोटर स्टेक में सन फार्मा कैडिला हेल्थ केयर दोनों काफ़ी है, पॉजिटिव है। कैडिला हेल्थ में तो मैक्सिमम स्टेक है प्रमोटर का जितना हो सकता है। अब देखिए डेट टू इक्विटी लगभग 0 के बराबर है, मतलब सन फार्मास्यूटिकल लगभग डेट फ्री कंपनी यहाँ पर कह सकते हैं अगर इक्विटी कंपेरिजन में कहें, लेकिन डेट देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के ऊपर 3,343 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पर देखिए रिजर्व कंपनी के पास 46,000 करोड़ का है, और इन्वेस्टमेंट भी 9,600 करोड़ का कर रखा है। तो अभी इस चारों पैरामीटर को एक साथ हम देखेंगे तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो में सन फार्मास्यूटिकल काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी, देखिए जो हम ये देख रहे हैं ना, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो कंपनियाँ डेट फ्री है वो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न क्रिएट करके देगा, जो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है तो वो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। इसके ऊपर थोड़ा सा डेट है, 0.17% डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि थोड़ा सा मतलब काफ़ी अच्छा है, लगभग ये भी मतलब 1% से काफ़ी कम है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये तो लगभग 1 से काफ़ी कम है, तो बहुत ही कम है डेट टू इक्विटी रेशियो। और डेट देख लीजिए यहाँ पर 2,900 करोड़ का है, जो कि काफ़ी कम है, जबकि रिजर्व कंपनी के पास 17,000 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व है, 2,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रखा है, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो ये भी देखिए, ये भी डेट टू इक्विटी के रेशियो में काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर। आप सिप्ला तो देख लीजिए, सिप्ला जो है, सिप्ला भी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08, काफ़ी कम है डेट, तो इस कंपनी के ऊपर भी डेट काफ़ी कम है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर रिजर्व की बात करें, 18,000 करोड़ का है, डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम है, 1,500 करोड़ का मात्र डेट है कंपनी के ऊपर, काफ़ी कम है, जो कि इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का रखा है 2,700 करोड़ का, तो जब काफ़ी बेहतरीन बात है, कंपनी तीनों कंपनी अभी तक में डेट टू इक्विटी रेशियो में काफ़ी कम है। उसके बाद जो अगला कंपनी है हमारा वो है कैडिला हेल्थ केयर, इसके ऊपर थोड़ा सा डेट है, मतलब चारों में डेट थोड़ा सा जो ज़्यादा है वो कैडिला हेल्थ केयर के पास, यहाँ पे भी कुछ खास डेट नहीं है, 3,600 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, जो कुछ खास डेट नहीं है। वहीं रिजर्व कंपनी के पास अच्छा खासा है, 12,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, वहीं इन्वेस्टमेंट भी कंपनी 830 करोड़ का कर रखा है, तो ये भी कंपनी
अच्छा है, कुछ खास डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, जहां थोड़ा सा जो सन फार्मा है कि सिप्ला है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, लेकिन कुछ खास डेट नहीं है क्योंकि ये सारी कंपनियां एक ब्लू चिप कंपनी है, अपने बिजनेस में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश है, तो इतना आसानी से पे कर सकता है, क्योंकि देखते हैं जितना डेट है लगभग देखते हैं उसका 50% से लगभग 50% से ज़्यादा कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट है, और साथ ही साथ कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व भी है जिसको यूज करके डेट पे कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को जो हमने देखा, रिजर्व कितना है, डेट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, उस सब चीज़ों को अगर आप एक साथ कंपेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू को देखकर कि मतलब किसी भी कंपनी के बुक वैल्यू के लिए, मतलब एक रुपया के बुक वैल्यू के लिए कितना प्राइस हम दे रहे हैं, जिस तरह से पीक के साथ हम कंपैरिजन किए कि कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है, उसी तरह आप इससे भी देख सकते हैं कौन सा स्टॉक बेहतर है अभी बाय करने के लिए, कि किस स्टॉक का जो एक रुपया का बुक वैल्यू उसके लिए ज़्यादा प्राइस हम दे रहे हैं। तो कैडिला के लिए दे रहे हैं 4.90 रुपया। आप देखिए सिप्ला के लिए हम 1 रुपया के बुक वैल्यू के लिए कितना दे रहे हैं, 4.11 रुपया, जबकि उसमें 4.90 रुपया था, तो वो ज़्यादा महंगा मिल रहा था, 1 रुपया बुक वैल्यू के लिए ज़्यादा हम प्राइस पे कर रहे थे, ये थोड़ा कम है। डॉक्टर रेड्डी 4.90 रुपया, ये भी लगभग कैडिला हेल्थ केयर के लगभग बराबर ही हो गया, और सन फार्मास्यूटिकल 3.46 रुपया। यहाँ पर जो बुक वैल्यू है उसके लिए मात्र 3.46 रुपया हम पे कर रहे हैं, तो ये स्टॉक काफ़ी यहाँ पर सॉलिड दिख रहा है। अभी तक जो हम कंपैरिजन किए उसमें सन फार्मास्यूटिकल और कैडिला हेल्थ केयर ज़्यादा बेहतरीन दिखता है, सिर्फ बुक वैल्यू में कैडिला हेल्थ केयर का बुक वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा डेट ज़्यादा था। सन फार्मास्यूटिकल्स हर पैरामीटर्स पे सबसे बेहतर दिखा, सिर्फ एक जो पी है स्टॉक का वो काफ़ी महंगा है। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि जो अच्छे स्टॉक है उसका जनरली पी जो है आपको हाई ही दिखेगा, तो हायर पी मतलब ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है, तो ये स्टॉक महंगा है, साथ ही साथ काफ़ी बेहतरीन है, कोई डेट भी कंपनी के ऊपर नहीं है, सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, सबसे मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर कंपनी का, तो देखिए 4000 करोड़ था 2010 में, जो कि धीरे धीरे बढ़ते गया। यहाँ पर कंपनी का सेल्स बढ़ते गए, बीच में थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ, और यहाँ पर सेल्स अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में देखिएगा यहाँ पर इंक्रीज होते गया, इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से डिक्रीज हुआ, देखिए 2017 से डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन अभी उतना इंक्रीज नहीं हुआ है क्योंकि पिछले साल तुलना में इस साल का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कौन सा कंपनी ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका सेल्स डॉक्टर रेड्डी का 7000 करोड़ से लगातार बढ़ते चला गया, बीच में यहाँ 15000 करोड़, फिर घट करके 14000, फिर 15, 17, 18, 19 लगातार बढ़ते गया। प्रॉफिट की बात करें, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, 352 करोड़ था, वहाँ से लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते गया 2016 तक, यहाँ पर 2015 तक, फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, फिर डिक्रीज होते होते 2018 में फिर से प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ से इंक्रीज होना शुरू, और इसका भी सेम कहानी 2021 में, 2020 से थोड़ा कम प्रॉफिट है, तो कहानी दोनों स्टॉक का सेम ही था, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी का। अब देखिए प्रॉफिट लॉस हम देखते हैं सिप्ला का, तो यहाँ पर देखिए सेल्स 5300 करोड़ से इंक्रीज होना शुरू हुआ, और लगातार सेल्स सिप्ला का इंक्रीज ही हो रहा है, कहीं भी डिक्रीज नहीं हुआ। प्रॉफिट कहते हैं 1083 करोड़ से, पहले यहां पर डिक्रीज हुआ, यहां से ही लेते हैं 2011 से, तो लगातार इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, तो यहाँ पर देखिए 2017 में इसका भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ था प्रॉफिट, और फिर यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो इंक्रीज होते चला जा रहा है। तो सिप्ला के यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट 2018 से लगातार इंक्रीज होते चला जा रहा है, जबकि सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज हुआ था, तो इसका कहानी थोड़ा सा डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा से बेहतर था। अब हम कैडिला हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं, इसकी कहानी क्या है। देखिए 3500 करोड़ इसका सेल था 2010 में, वहाँ से इंक्रीज होता चला गया, हमेशा सेल्स इंक्रीज हुआ कैडिला हेल्थ केयर का। प्रॉफिट 505 करोड़ से इंक्रीज हुआ, यहाँ से इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, 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 यहाँ पर इंक्रीज हुआ 2016 में मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, फिर 2017 में डिक्रीज हुआ, 2017 से फिर से इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर 2020 में डिक्रीज हुआ, 2020 के बाद फिर से यहाँ इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट भी इसका वही कहानी है जो डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा का था। तो प्रॉफिट का कहानी सबका लगभग सेम है, इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है, किसी किसी साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज, किसी साल काफ़ी ज़्यादा कम।
तो यहाँ कैडिला हेल्थ केयर में ज़्यादा प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। तो कैडिला हेल्थ केयर ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंपनी है, सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, मतलब हर पैरामीटर पर आपने देखा कैडिला हेल्थ केयर काफ़ी बेहतरीन है। अब हम टेक्निकल चार्ट पर देख लेते हैं कौन सा स्टॉक ज़्यादा सॉलिड है। देखिए टेक्निकल चार्ट काफ़ी मदद करता है क्योंकि हमें चार्ट पर शेयर प्राइस का मोमेंटम से ही रिटर्न मिलता है, तो चार्ट पैटर्न को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर हम चार्ट पर आते हैं तो देखिए यहाँ से ये जर्नी लगभग देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट था 2003 तक, 2003 से ये मोमेंटम दिखाया, अपना हाई बनाया, फिर से यहाँ लो बनाता है, लेकिन पिछला जो लो था यहाँ पर उसको ब्रेक नहीं किया था। पिछला जो लो था लगभग देखिए 7 रुपीज़ का था और यहाँ पर जो लो बनाया 30 रुपीज़ का था, तो लो ब्रेक नहीं है, फिर यहाँ पर जाता है एक हाई बनाता है, फिर एक लो, फिर ये हाई, फिर एक लो, तो यहाँ पर देखते हैं कोई भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है, सेम लेवल पे सपोर्ट लिया लेकिन लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ये हाई बनाता है, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर देखिए यहाँ पर हाई बनाता है, कब 2017 में, 2015 के बाद सन जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उसमें बड़ी गिरावट देखना, क्योंकि फार्मा सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म था, तो यहां पर देखते हैं बड़ी गिरावट और सारे लोग यहां पर ब्रेक कर दिया, तो यहां से टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस आया, मतलब जो भी इधर पोजिशन बनाया था वो सारा पोजिशन यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए था। अब देखिए यहाँ से फिर ये लो बनाया और यहाँ से जो मोमेंटम ये कंटिन्यू हो रहा है, तो अभी तक ये कंटिन्यू है, आप देखते हैं कि ये मोमेंटम कब तक चलता है। ये हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए फिर मोमेंटम कंटिन्यू करे, अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है फिर से यहाँ बाउंस बैक करता है तो आप यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो देखा मैंने और मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। देखिए इन्वेस्ट तभी कीजिए जब ये स्टॉक नीचे गिरे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जब गिरावट आया फिर से बाउंस बैक किया, गिरावट आया बाउंस बैक, तो गिरावट होने दीजिए, जैसे बाउंस बैक करने लगे वैसे इन्वेस्ट कर लीजिए। अभी आप यहाँ पर हाई पे करेंगे, यहाँ से मान लीजिए आपको ये करेक्ट होता हुआ यहाँ तक आ गया, तो फिर देखिए ये सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है 500 के नीचे, 450 इसका अभी सपोर्ट लेवल बन रहा है। अगर यहाँ से आ गया तो फिर अगर काफ़ी समय वक्त ले लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो कम से कम 3 इयर्स के लिए होता है, अगर 3 इयर्स ये परफॉर्म नहीं किया स्टॉक तो फिर दिक्कत है। तो आप जब ये स्टॉक मोमेंटम देना शुरू करे तब इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, और फिर एक बार आपके प्राइस रेंज से काफ़ी ऊपर चला गया तो बने रहिए फिर लॉन्ग टर्म के लिए, 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए। अब देखिए बात करते हैं हम सिप्ला का, तो टेक्निकल चार्ट पर एक बार वीकनेस आया 2017 के बाद। अब देखिए इस स्टॉक की बात करते हैं, देखिए सिप्ला में तो यहाँ पर हम 2000 ईस्वी के बाद लेते हैं, यहाँ पर जो US में मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद यहाँ पर फार्मा सेक्टर की जितनी भी कंपनियाँ सब के सब जो है क्रैश हुए थे, तो 2000 ईस्वी से हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक गया, यहाँ हाई बनाया फिर यहाँ लो बनाया, तो यहाँ जो पिछला लो था देखिए पीछे का जो लो था वो 54 रुपीज़ का था, यहाँ पर जो लो बनाया वो भी 54 का, तो चलिए कुछ खास नहीं है, सेम लो बनाया 2003 में, फिर यहाँ पर मोमेंटम दिया 2006 में हाई बनाया, फिर यहाँ पर देखते हैं एक लो बनाया, फिर ये लो बनाया और यहाँ से फिर से ये मोमेंटम किया, तो ये लो जो बनाया पिछले लो को ब्रेक नहीं किया क्योंकि ये लो तो 100 रुपीज़ से ऊपर था। फिर देखते हैं यहाँ पर एक लो बनाया, फिर यहाँ से स्टॉक चलना शुरू किया, ये हाई बनाया, फिर यहाँ से लो और फिर यहाँ से हाई, तो ये स्टॉक देखिए यहीं से ये तो यहाँ पर तो लो ब्रेक नहीं किया, दोबारा यहाँ आया 2018 के बाद, इस पर भी एक ज़बरदस्त गिरावट और अपना जो पीछे का लो था उसको ब्रेक कर दिया, तो ये यहाँ पर एक बड़ा वीकनेस था, या आप यहीं पर एग्जिट कर सकते थे क्योंकि ये जो हाई बना वो पिछले हाई से लो था, नीचे हाई बनाया, तो जब लोअर हाई बनता है तो जो भी पोजीशन होता है उसे एग्जिट करना रहता है, तो जो भी पोजीशन था आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे। फिर देखिए यहाँ से बड़ी गिरावट आया, देखते हैं 400 से भी नीचे स्टॉक चला गया, जो स्टॉक हुआ करता था लगभग 800 पर, अब यहाँ से ये लगातार मूवमेंट अप कर रहा है 350 से, और ये अभी देख सकते हैं ये 934 रुपीज़ का ये स्टॉक है। उसके बाद आते हैं अगला डॉक्टर रेड्डी पर, तो अभी तक दोनों स्टॉक ने देखा कि एक 2017 से ही वीक था और सिप्ला उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कैडिला हेल्थ से, क्योंकि वो 2018 में जाके वीक हुआ, जबकि फार्मा सेक्टर 2015 से ही वीक चल रहा था। अब देखिए ये स्टॉक 1999 छोड़ देते हैं, 2000 ईस्वी से लेते हैं, ये 2000 से ये यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर ये यहाँ पर हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, तो यहाँ देखिए ये जो हाई था पीछे का वो 320 रुपीज़ का, और यहाँ पर जो हाई लो बनाया वो 377 रुपीज़, यहाँ जो लो बना था 320 रुपीज़ का, यहाँ जो लो बनाया 370 रुपीज़ का, फिर यहाँ पर हाई बनाता है
फिर यहाँ पर लो बनाता है, फिर यहाँ पर हाई बनाता है, फिर यहाँ पर लो बनाता है, फिर यहाँ पर हाई बनाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, फिर यहाँ से एक लो बनाएगा, फिर यहाँ से एक हाई बनाएगा, इस तरह से ये स्टॉक चलता रहेगा। तो ये इस स्टॉक में भी वीकनेस डॉक्टर रेड्डी में भी आया 2016 के बाद, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो लो बनाया, लेकिन ये पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, तो ये इस स्टॉक में वीकनेस थोड़ा सा कम था, ये स्टॉक में डॉक्टर रेड्डी में वीकनेस कम था, क्योंकि ये यहाँ स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम था। जब इतना स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं जो करेक्शन होगा वो काफ़ी बड़ा ही होगा, और वैसा ही हुआ, ये करेक्शन यहाँ काफ़ी लंबा था। डॉक्टर रेड्डी सिप्ला और कैडिला हेल्थ केयर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था टेक्निकल चार्ट पर, सिर्फ एक ही बार वीकनेस आया, तो वीकनेस आया तो ज़बरदस्त आया। अब देखिए सन फार्मास्यूटिकल्स, इस कंपनी की बात करते हैं, ये 2020 से हम बात करते हैं, तो 2020 से यहाँ चार्ट पे कुछ खास तो दिख नहीं रहा, ये देखिए अप ट्रेंड ही दिख रहा है ये स्टॉक, यहाँ से लिए ये स्टॉक यहाँ से एक तरह से देखिए अप ट्रेंड चला, लगभग 2008 में इसमें गिरावट आया और फिर यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड चला, तो ये स्टॉक तो ज़बरदस्त यहाँ से चला 2020 से जो चला, तो एक बार 2008 में गिरावट हुआ, उसके बाद ये स्टॉक फिर ऊपर चलता ही गया। तो इस तरह से कुछ है जो फार्मास्यूटिकल है उसकी टॉप कंपनी जो सन फार्मा है उसकी कहानी। और यहाँ पर ये स्टॉक देखिए हाई बनाया था लगभग 1200 का, 1200 से गिरावट आया, तो इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आया, देखिए 1200 से गिरावट आया, तो ये लगभग स्टॉक जो है 320 रुपीज़ तक आ गया, जबकि यहाँ 1200 इसका हाई था और वहाँ से स्टॉक गिरा तो 320 रुपीज़ तक ये आ गया था, और 320 रुपीज़ से फिर से ये स्टॉक जो है यहाँ पर जर्दी चल रहा है। तो ये स्टॉक जो है सन फार्मास्यूटिकल, देखिए 2015 से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग था टेक्निकल चार्ट पे, वहीं 2015 से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया और ये काफ़ी नीचे आ गया, लगभग देख सकते हैं यहाँ पर जो गिरावट था 1200 का 3 निकाल के मात्र 25% वैल्यू बचा, और 75% इस स्टॉक में गिरावट था, देखिए यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए 1200 लगभग ये स्टॉक जो है 75% का गिरावट, अप्रॉक्स 75% का गिरावट इस स्टॉक में हुआ था, काफ़ी वीकनेस था, तो इस स्टॉक में इतना ज़्यादा वीकनेस था, इसको ऊपर जाने में भी उतना ही समय लगेगा, याद रखिएगा। इसमें अभी आपको कोई ज़बरदस्त रैली या कोई बड़ा रैली देखने नहीं मिलेगा जब तक कि ये 900 रुपीज़ को क्रॉस नहीं कर जाता, देखिए यहाँ 900 के ऊपर गया तो सस्टेन नहीं कर पाया था, तो 900 के ऊपर जब तक ये क्रॉस नहीं करता तो आपको कोई बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में अभी देखने नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल कहानी था चार स्टॉक का, जिसमें आपने देखा टेक्निकल चार्ट पे डॉक्टर रेड्डी काफ़ी मजबूत था, कैडिला हेल्थ केयर भी, मतलब सब कहानी एक ही था, लेकिन सन फार्मास्यूटिकल टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा वीक था, तो इसमें अभी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, कि आप कैडिला हेल्थ केयर डॉक्टर रेड्डी में इन्वेस्ट करें। देखते हैं कि ये कैडिला डॉक्टर रेड्डी देखिए अपना रिकवर भी कर लिया, अभी तक सन फार्मा रिकवर नहीं किया, देखिए कैडिला हेल्थ केयर रिकवर भी कर लिया, अब देखिए सिप्ला का देखते हैं तो ये भी रिकवर कर चुका है, लेकिन सन फार्मास्यूटिकल टेक्निकल चार्ट पे आपने देखा काफ़ी वीक है, तो ये यहाँ पर रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो ये ओवरऑल कहानी था, उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलेगा जिसमें आपको पूरी तरह से समझाया गया हो कि कौन सा स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। सन फार्मा फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, लेकिन यहाँ टेक्निकल चार्ट पे आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो निश्चित है कि सन फार्मास्यूटिकल को अवॉइड करें, आप कैडिला हेल्थ डॉक्टर रेड्डी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब गिरावट आता है। यहाँ फिर बहुत सारे लोग देखिए यहाँ हायर प्राइस पर फंसिएगा, तो फिर मेरा नाम खराब मत कीजिएगा, तो जब भी करेक्शन आता है आप यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के पास तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे मूवमेंटम आता है तो बने रहिए, या यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।